मोहम्मद कैफ ने, जो कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल के ऊपर वर्ल्ड कप में एज एन एनालिस्ट या एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड कप 2023 की जो बेस्ट टीम थी ना, वो वर्ल्ड कप नहीं जीती। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर ना एक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर है, जर्नलिस्ट भी हैं मिचेल, उन्होंने इसके ऊपर ना अपनी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, देखो भैया, जो बेस्ट टीम होती है ना, बेस्ट टीम ये पेपर के ऊपर क्या है और ग्राउंड में क्या है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बेस्ट टीम ना पेपर के ऊपर वर्ल्ड कप नहीं जीतती, बेस्ट टीम को वर्ल्ड कप जीतना पड़ता है ग्राउंड के अंदर। अच्छा, मिचेल ने ये स्टेटमेंट दी। मिचेल की स्टेटमेंट के ऊपर किसने स्टेटमेंट दी? डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर ये कहते हैं कि मुझे मोहम्मद कैफ पसंद है, आई लाइक मोहम्मद कैफ, लेकिन बात ये है कि जो बेस्ट टीम होती है ना, वो वाकई ही ग्राउंड में जिस दिन परफॉर्म करना हो, उस दिन जब परफॉर्म करती है, मैच जीतती है, तो वो बेस्ट टीम बन जाती है। ये जो क्रिकेट खेली जाती है, ये पेपर के ऊपर नहीं खेली जाती। वार्नर ने भी वही बात की, उन्होंने कहा पेपर के ऊपर क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्रिकेट खेली जाती है ग्राउंड में। ऑन पेपर आपकी टीम जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, अगर वो मैच नहीं जीती ना, तो फिर इसके ओपोनेंट जो है ना, जो टीम मैच जीत गई है, बेशक वो ऑन पेपर कितनी ही वीक क्यों ना हो, वो उस दिन बेस्ट कहलाएगी। वर्ल्ड कप के फाइनल से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं सारी, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि यार, जो बेस्ट टीम थी ना इस वर्ल्ड कप की, इंडिया की टीम, वो नहीं जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम नहीं थी, वो जीत गई। लेकिन ये तो एक साइड के लोगों का है ना, लेकिन दूसरी साइड के लोग, जिसमें अब गौतम गंभीर हैं, डेविड वार्नर खुद हैं, ये मिचेल जो जर्नलिस्ट हैं, ये और कई दूसरे लोग, वो कहते हैं भैया ये बातें हो गई, अब ये बात ऑन पेपर तो करने वाली अच्छी है कि कागज़ में भैया हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन देख लो फाइनल कौन लेकर गया। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसके पास है? जिसके पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, वो ही बेस्ट है। बाकी सारी बातें लफ्जों का हेर फेर है, इसके अलावा कुछ नहीं। गौतम गंभीर ने भी सेम यही स्टेटमेंट दी, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। भैया वो तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, वो कहता है यार ये सब फजूलियात हैं, लफ्ज़ों का हेर फेर है, लफाजी है, ये जिसे कहते हैं ना मैजिक ऑफ वर्ड्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि भाई बेस्ट टीम नहीं जीती। उसने कहा भैया आपने नहीं, आपके परफॉर्म कर पाए, अब मान लेना। देखे जी, आप सारे के सारे, और ये बात मैं आपको एक्स क्रिकेटर्स की बता रहा हूँ, जो कि पैनलिस्ट पर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर पैनलिस्ट थे, उन्होंने सब ये बात की है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो भी सारे यही बात कर रहे हैं कि ऑन द गिवन डे वो चीज़ें जो कि पहले हाईलाइट नहीं हुई हुई थी, वो हो गई, जिसका डर था वो हो गया। आप रोहित और कोहली के सर के ऊपर पूरी की पूरी बैटिंग लाइन आसरा करके बैठी हुई थी, बैटिंग पिचेस के ऊपर सारे चल जाते थे, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आती थी वहां पर आप कहते थे कि रोहित भाई, कोहली भाई, अब कुछ कर दो, बाकी मिडल ऑर्डर आपका नजर ही कहीं नहीं आता था। फाइनल में एग्जैक्टली वही हुआ है कि भाई साहब पहले रोहित आउट हुआ, रोहित के आउट होने के बाद कोहली आउट हुआ, और मिडल ओवर्स में आपकी टीम फ्लॉप हो गई, आपका जो मिडल ऑर्डर था वो कुछ कर ही नहीं सका। अब बताएं कि आपने नाम तो लिख लिए इन सब के, लेकिन भैया ये परफॉर्म नहीं कर पाए ना, फिर आपके वो स्पिनर्स नहीं परफॉर्म कर पाए दोनों, हालांकि दोनों स्पिनर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन बस वो नहीं उस दिन परफॉर्म कर पाए। पेपर पर दोनों बेहतरीन स्पिनर्स हैं, स्टैट्स बेहतरीन हैं, परफॉर्मेंसेस की पूरी लाइन लगी हुई है, फाइनल वाले दिन नहीं चले भाई, वो जडेजा नहीं चल सका, अपना कुलदीप नहीं चल सका, दोनों ने मेरा ख्याल है 50-60 रन दोनों ने खाए में हैं। तो अब आप एक बात बताएं ना, आप 240 तो आपने डिफेंड करना है, और आपके जो दो मेजर स्पिनर्स हैं वो ही 100-120 रन खा जाएंगे, तो भैया आप कहां से आधे रन बाकी डिफेंड करोगे? ये सारी बातें जो हैं ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। ये डेविड वार्नर ने भी वही बात की है कि भाई ऑन पेपर छोड़ दें, ऑन पेपर क्या था क्या नहीं है, आप 11 टोटल मैचेस थे, ये पीछे से 2-3 हार कर लड़ते पड़ते जैसे तैसे करके फाइनल में आ गए, इंडिया पीछे एक मैच भी नहीं हारा हुआ था, वो आकर एक ही मैच हारा और वो फाइनल था, उन्होंने अपने हाथ से मैच भी गवाया, फाइनल भी गवाया, ट्रॉफी भी गिनवाई, तो बस ये सारी गेम है। तो भाई ये जो है ना कि बेस्ट टीम और ईच एंड एवरी थिंग, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इससे एग्री करता हूँ कि जो बेस्ट टीम होती है ना, वो सम हाउ दी अदर उसकी परफॉर्मेंसेज जो है ना, वो फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। मैं यहाँ पर अंडर एट इंडियन टीम को नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टीम में ना, इंडियन टीम में लूप होल्स थे, 2011 वाली में नहीं थे। 2011 वाली टीम याद करें, यही सब इंडिया की विकेट्स थी, यही इंडिया की टीम के लड़के उस पर्टिकुलर टाइम में, आपकी विराट कोहली भी था, ये रोहित भी था, आपके जितने भी अभी तो मेरा ख्याल है बाकी तो नहीं, लेकिन कुछ और प्लेयर्स वो थे भाई, ये सारे खेल रहे थे, तब भी खेल रहे थे, अब भी खेल रहे हैं, विकेट्स का थी।
भाई साहब आपकी वो टीम जो थी ना वो 10 out of 10 थी, उसमें ओपनर स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, सहवाग प्लस गंभीर, उसमें मिडल ऑर्डर में युवराज सिंह थे, तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी खुद। अब आप वो ओपनिंग पेयर और उस 2011 वाली टीम का मिडल ऑर्डर देखें और उसको अगर मैच करें जो 2023 वाली अपनी टीम के साथ, भाई पता लग जाता है लिटरली। इसी वजह से वो मैचेस भी जीते, वो फाइनल भी जीते। आपकी तरफ प्रॉब्लम ये हुआ कि फाइनल में ना आप लोग पैनिक कर गए, आप नहीं कर सके ट्रिकी सी विकेट के ऊपर उस तरह की परफॉर्मेंस जो आपको करनी चाहिए थी, और इवेंचुअली नुकसान फिर आपको हुआ। आपकी बैटिंग भी फेल हुई उस विकेट के ऊपर, आपकी बॉलिंग भी फेल हुई। आपने सबसे बड़ा जो आपका प्लान फेल हुआ वो ये था कि आपको विकेट अपने हिसाब किताब की बनानी चाहिए थी, आपने पता नहीं क्या विकेट बनाई। वो विकेट वो पॉन्टिंग ने, फिर वही बात मैं जाते जाते रिपीट करूंगा जो पॉन्टिंग ने कही कि भैया आपने टेक्निकली दूसरों के लिए गड़ा खोदा, आप खुद ही उस गड्ढे में जा गिरे। आप एक फट्टा विकेट बनाते ना, लिटरली फट्टा विकेट, तो जिस तरह की इंडिया की बैटिंग है ना, आप यकीन करें कि फट्टा विकेट के ऊपर तो ये सारे चल जाते हैं ना। वानखेड़े में इन्होंने नहीं मारा सेमीफाइनल में, उससे पहले भी तो वानखेड़े में ये चल गए थे ना, तो भैया ये वहां पर भी चल जाते, लिटरली फाइनल में भी ये सारे चल जाते। फट्टा विकेट होती, पहले बैटिंग करते तो बड़ा स्कोर खड़ा करते, सेकंड बैटिंग कर रहे होते तो चेज कर लेते। अपनी बैटिंग के ऊपर इन लोगों ने कॉन्फिडेंस नहीं रखा और पिच बनाने वालों ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो बेस्ट टीम की डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।